जिस तरह से गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी जी के मानहानि मामले पर जिस तरह से जो है फैसला सुनाया है, उसके बाद से कांग्रेस के दफ्तर पर जो कार्यकर्ता है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं इस फैसले पर, क्योंकि जिस तरह से फर्जी मानहानि मामले में जो फंसाया जा रहा है उस पर बातचीत करेंगे तमाम लोग जो है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग इस फैसले पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे पूरी तैयारी से और राहुल गांधी को राहत मिलेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। देश का नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो। जब जब मोदी डरता है उसको आगे डरता है। देखिए जो ये तानाशाही चल रही है, ये कहते थे एक इमरजेंसी वो थी, एक इमरजेंसी आज ऐसी चल रही है कि सब पर ईडी लगा दो, सबको जेल में डाल दो विपक्ष के ऊपर। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे जहां तक हमारे को जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार नहीं करेंगे। हमें अपने ऊपर वाले पर विश्वास है, ऊपर वाला न्याय करेगा, इंसाफ मिलेगा, हम डरने वाले नहीं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मशीन चल रही है राहुल गांधी का निर्मा डिटर्जेंट, इसी तरह मोदी डिटर्जेंट चल रहा है। जो गुंडे अरमान अपराधी जिन पे मुकदमे हैं किसी भी पार्टी के हैं, अगर मोदी के शरण में आ जाए तो वो बल्ले बल्ले सारे उनके केस धुल जाएंगे। वो सूरज है ना डूबे हैं ना डूबेंगे ना डरे हैं ना डरेंगे, निखर कर आएंगे, ये कहना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। सर ये तानाशाही जो मोदी सरकार की चल रही है, राहुल गांधी जी इंसाफ मांगते हैं ये डरते हैं तो डरेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमें विश्वास है ऊपर वाले से कि वो हमें इंसाफ जरूर दिलाएगा। मोदी जी क्या करना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन को किसी तरीके डिवाइड करने के लिए और चीजों पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी सीजे जो घबराए हुए ना, इनकी घबराहट हमें दिख रही है, हमें विश्वास है जकी ने कोर्ट पे, हम कोर्ट का फैसला मानेंगे जो कोर्ट देगी, लेकिन कोर्ट तक हम जरूर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं। ये शेर है शेर, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। अनवर ये बताइए जिस तरह से इससे पहले मोदी जी भी तो कई तरह के बयान देते रहे लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मानहानि नहीं। एक लोकतंत्र पर हत्या है, ये कहते हैं इमरजेंसी, एक वो इमरजेंसी थी, एक ही इमरजेंसी है, एक चीज कर देते हैं चाहिए, हम घबराने वाले नहीं है, हमारा संघर्ष कायम रहेगा, हम आगे तक लड़ते रहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हम मोदी सरकार से डरने वाले नहीं है। 2024 का इलेक्शन होगा और हिंदुस्तान का पीएम राहुल गांधी राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जो हमसे टकराएगा। क्या लगता है जिस तरह से राहुल जी ने सदन में आवाज उठाई उससे घबरा गए क्या मोदी जी? राहुल जी ने जिस तरह से सदन में आवाज उठाई, डर बैठा हुआ है मोदी जी का, जो डर बैठा हुआ है वो डर निकल के नहीं दे रहा और वो राहुल जी के पीछे लगे रहेंगे। 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेगा हमारी उम्मीद है। घबरा गए, इतना घबरा गए किस तरह की घबराना तो बनता है, राहुल जी वो इंसान है, एक एक इंसान के पास जाके 4,000 किलोमीटर चलकर वो पूरा तंबों से नापाल उन्होंने देश को, राहुल जी वो इंसान है। आप
राहुल जी को कितना भी सरकारों पे चला देंगे, राहुल जी घबराने वाले नहीं। क्या लग रहा है, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है एक तरीके से? वो कहता है अदानी, वो राहुल गांधी जी के पीछे लगे रहेंगे, लेकिन 2024 देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा। ठीक है, क्या राहुल गांधी जी को नहीं लगा है, नरेंद्र मोदी को झटका लगा है। अच्छा, इसलिए नरेंद्र मोदी हमेशा राहुल गांधी को देखेंगे, मीटिंग का मोड में लगा रहे हैं, संसद की बैठने लगे रात बनी हुई है, मोदी वॉइस। हाँ, मोदी जी डरे हुए हैं। हाँ ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस मामले, जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया, क्या कहेंगे? हम कोर्ट का आदर करते हैं, मगर हम डरने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है राहत मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी से मोदी सरकार डरी हुई है। वो कौन डरे हुए हैं? वो एक ऐसा शेर है जो इन गीदड़ों के सामने बोलता है, ललकारता है, उत्पीड़न पे बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करता है, मणिपुर की बात करता है, गरीबों की हित की बात करता है, इसलिए वे डरे हुए हैं, इसलिए वो ये सब धांधलेबाजी कर रहे हैं। गुंडागर्दी ज्यादा नहीं चल रही। क्या लग रहा है, एक आदमी से इतनी बड़ी बीजेपी पूरी डर गई, घबरा गई? बिल्कुल डर रही है। ऊपर वाला न्याय करेगा, उससे ऊपर भी बहुत बड़ी अदालत है। मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए, एक अदालत ऊपर भी है। क्या लग रहा है, जिस तरह का माहौल, एक तरीके से तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है बीजेपी? बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है, डिक्टेटरशिप है, हम बिल्कुल ये स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक है, तो और भी लोगों से देखिए, यहाँ पे जिस तरह से ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग आए हैं। आप तो युवा हैं, राहुल गांधी भी एक युवा नेता है, लेकिन जिस तरह से वो जब सवाल उठा रहे हैं, सदन में बोल रहे हैं, तो उनको दबाया जा रहा है, सजा दी जा रही, मानहानी के मामले में फंसाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये राजनीति मुद्दा है, उनको कोई और मुद्दा तो है नहीं। उसको गवर्नमेंट को उनको मिलता है राहुल गांधी जी, कुछ ना कुछ राहुल गांधी के लिए कुछ तड़ंगा लाते रहते हैं, और उनको अपना मतलब ध्यान पब्लिक की तरफ इसके राहुल गांधी पे अटका देते हैं, ताकि सन 2000 में उनको सही से उनको जीत हासिल हो सके, उस चक्कर में राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जाती है, पर ऐसा कभी होगा नहीं। राहुल गांधी ये नई युवा नई सोच के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसको लेकर जो लोगों के अंदर पीड़ा है युवा, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो चाहे कितने भी लोग आरंक सा लगाए जाए या गवर्नमेंट, वो ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। हमारे नेता अपने नेता के साथ है और सब युवा उनके साथ है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पे, तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं और साफ होता है जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, हालांकि कोर्ट का जो है सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो एक फर्जी मामले में जो है फंसाया जा रहा है जिस तरीके से, उस पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। ये बताइए, जिस तरह से आप कांग्रेस की फेसबुक पेज पे लाइव है, जिस तरह से ये फैसला आया है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक एक षड्यंत्र चल रहा है किसी एक सच्चे आदमी को फंसाने का। आप एक चीज याद रखिए कि इतिहास गवाह है, सच्चे आदमी बोले राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 राहुल जी आगे
तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चट्टानों को भिड़ा नहीं सकते, बीजेपी एक आदमी से इतना घबरा गई कि कोई भी षड्यंत्र करके उसको फंसाना चाहे। मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी गुंडागर्दी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक जनता की ताकत पर रिपोर्ट नहीं कर सकता। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी जी सर टाइगर ऐसी हर से लोग कांपे हुए हैं, कांपे हुए हैं। तब मैं आपके लिए लेकिन हमें पता नहीं अच्छा इस फैसले से क्या साबित होता है कि मोदी जी अडानी के लिए अरबपतियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो कर्म से आदमी काम करता आगे बढ़ेगा, पैसे वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। आपने एक को बढ़ाया है इसलिए वो बड़े बने। आप जिसको बढ़ाओ उसको बड़े बन जाएंगे। सच्चाई यही है कि कर्म हमेशा पैसे से बड़ा होता है। और कर्म जो है जिसको देख रहे लोगों में पिछले 12-14 यात्रा हुई है, लोगों के बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़ गए, उन्हें समझ आ गया कि निजाम सर पब्लिक अड़ाएगी, पब्लिक पब्लिक अड़ाएगी राहुल जी को। आप कांग्रेस के फेसबुक पेज पे लाइव हैं, जो फैसला आया है क्या लग रहा है, तानाशाही हो रही है इस देश में? पूरे देश में तानाशाही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही की सरकार है, तानाशाही। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला दिया है ये नरेंद्र मोदी का फैसला कोर्ट का फैसला नहीं है। कोर्ट का अगर ये फैसला होता तो एक जूनियर कोर्ट में जो है इतना बड़ा फैसला नहीं देता। तो लास्ट सजा होती है 2 साल की, पूरी पूरी सजा दे दी गई। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? कोर्ट दो बड़ी सजा देता है। क्या लग रहा है, क्यों घबरा गई बीजेपी राहुल जी से, किस तरह का फैसला? आज आपने देखा होगा 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा गैप निकल रहा है। आम जनता में याद है कि नरेंद्र मोदी अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे अन्य राज्यों में हो। उन्होंने जो लोगों के साथ जो करते हैं, अन्याय कर रहे हैं, उससे आम आज
जी निश्चित तौर पर हारेंगे राहुल जी। लोकतंत्र की हत्या करने का दावा लेकर सरकार में आए, अब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे बड़ी क्या उदाहरण होगा, महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या नहीं है। पूरी सरकार पार्टी को तोड़ के और अपनी पार्टी मिला लेना, ये लोकतंत्र, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या है? इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको? ये सबसे बड़ा सबूत है लोकतंत्र की हत्या करना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को तोड़ के अपनी सरकार मिला लेना, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या कहोगे आप? सदन में राहुल जी का जिस तरह से भाषण दिया गया, उसके बाद उस भाषण को भी वहाँ पे हटाया गया, इतनी घबराहट बीजेपी में आ गई, ऐसा कौन सा सच जो है राहुल गांधी जी सदन में ला रहे थे? जब राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, जनता उनके साथ चल रही है, तो उन्हें घबराहट तो शुरू होगी। मोदी जी को बहुत बड़ी घबराहट है लोगों से, और 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है जी, तो देखिए तस्वीरें हम आपको कांग्रेस के कार्यालय से दिखा रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से लोग जो है वो भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरह से ये जो मानहानि मामले पे जो है गुजरात कोर्ट का जो फैसला आया है उस पे नाराजगी जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता व्यक्त कर रहा है, और ये जो है ये बातें कही जा रही है एक तरीके से साजिश के तौर पर जो है वो राहुल गांधी जी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सदन में अडानी को लेकर देश के जिस तरह से अरबपतियों को जो है गलत तरीके से सरकार ने पैसा दिया, उन सभी मुद्दों को लेकर जो है राहुल गांधी जी ने सदन में जब सवाल उठाया, उसके बाद में उनको एक मोदी सरनेम के मामले पे जो एक तरीके से जो है रैली में दिया गया एक बयान था, उस पर जो है एक आधार बनाया गया और कार्रवाई करने की जो है वो कोशिश अब जिस तरह से की जा रही है, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं इस देश में जो है अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है और साजिश के तहत जो है उनको फंसाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फैसला है? देश के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। आज जो राहुल जी कहना चाह रहे हैं, देश को संदेश देना चाह रहे हैं, वो तानाशाही सरकार है इसको जगाना चाह रहे हैं, वे सोई सरकार है इसको जगाना चाह रहे हैं, पर ये जाग नहीं रही। ये राहुल गांधी जो देश का पहला नेता जो डरानी ने ईडी से सीनिया से ये इन सरकार को हिला करके ही मानेगा, जब तक ये हिलेंगे नहीं राहुल गांधी सोएगा, जगाता रहेगा, संसद में भी जगाएगा, रोड पर भी जगाएगा, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक फर्जी मानहानि मामले में जो है फंसाया जा रहा है, सरकार इतनी डर गई, किस तरह की कार्रवाई करेगी? सब पूरा हिंदुस्तान को पता है राहुल गांधी से डरते हैं, इनको पता राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो इनको हरा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो राहुल गांधी के सामने आके लड़े, पता लग जाएगा कितना दम है। ये फर्जी मुकदमा लगा करके ये हरा नहीं सकते राहुल गांधी को, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो इनको चुनौती देता पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाकर। 24 में हार की घबराहट की वजह से इस तरह हुआ, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा 24 के अंदर। और मैं बताना चाह रहा हूँ हमारी जो कांग्रेस सरकार है, जितने राज्य हिंदी राज्य सब में कांग्रेस पार्टी आएगी, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, एमपी हो, राजस्थान हो, यहाँ पर कांग्रेस का परचम से लहराएगा, और आने वाला समय राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी तमाम तरह के फर्जी दावे कर रही है, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो डर जाती है, घबरा जाती है। उनके पास कुछ है नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इनके पास न रोजगार की बात है, न किसान की बात है, न नौकरी की बात है। इन्होंने कहा था चुनाव 2019 में जाकर के 1-1 करोड़ रुपए सबको देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को 1 रुपया दे, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं दिया। ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठी सरकार है, ये हमेशा झूठ बोल करके दुनिया को बलगाती है, और राहुल गांधी ऐसे शख्स है जो सामने होकर के लड़ता है इनको संसद में भी और बाहर रोड पर भी। बीते दिनों देखा होगा जो आदमी भी सरकार से सवाल कर रहा है उसके ऊपर ईडी सीबीआई या किसी तरह की कार्रवाई जो है वो कर दी जाती है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, एक राहुल गांधी ऐसा शेर का बच्चा है जो इनको ललकारता है, या संसद हो या रोड हो, वो ईडी और सीबीआई से नहीं डरता, उनके पूरे परिवार ने ईडी और सीबीआई देखी है, वो सच्चा है और शेर का बच्चा है और सामने धार करके लड़ता है। सवाल बीजेपी के हथकंडों पे हो रहा है कि जिस तरह से हथकंडे अपना रही है, झूठों की सरकार है। अगर
अगर कोई कुछ कहता है तो उसमें ईडी पहुंच जाती है, कुछ बोलते हैं तो ईडी सीबीआई का प्रेशर बना दे। पर राहुल गांधी डरने वाले नहीं पॉइंट को बीजेपी वालों से, ये झूठे लोग हैं, झूठी सरकार है जो ये झूठ बोल करके राज कर रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी नहीं डरने वाले, राहुल गांधी सत्य है, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं लोग। ठीक है, आपने आज आप सत्ता में आप अपना दुरुपयोग कर रहे थे, ये लोकतंत्र है, 140 करोड़ लोग फैसला करेंगे, हम तो जनता के फैसलों के साथ 9 साल बेमिसाल जा रहे हैं हमारे, और इसकी बिल्कुल आज ये बिल्कुल बहुत बेमिसाल जा रहा है। हजारों किसान मर रहे हैं, लाखों बेरोजगार फांसी लगा रहे हैं, देश में भूखमरी की हालत है। अगर आप जैसे जो हमारे मीडिया के भाई हैं अगर सच्चाई बताए तो आज देश में लाखों आदमी प्रतिदिन भूख से मर रहे हैं। अब टमाटर का भाव देख लो, गैस सिलेंडर का महंगाई भी सत्ता में आए, कहां महंगाई जा रही है, ऐसा कोई है जो संसद में भी इनके सामने बोलता है, वोट में भी इनके सामने बोलता है। राहुल गांधी ने कभी वोट किया हमारे वोट का सम्मान करते हैं, तो 15 लाख रुपए, 2-2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय 2 करोड़। एक सच्चा इंसान है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास कर रहे हैं और सभी सैकड़ों लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो एकजुट नहीं होगा तो देश की जनता खुद एकजुट हो जाएगी, जो लोग एकजुट नहीं हो रहे उनकी हवा अपने आप लगे जाएगी। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, देश का 80-90% जनता आज होती है और कांग्रेस पार्टी को वापस जनता में लाना चाहती है। देश के लोग कहते हैं तो कांग्रेस अकेले क्यों नहीं आती, गठबंधन भी क्यों नहीं जोड़ रही। देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो है कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखा है और हम ये चाहते हैं हमारे राहुल गांधी जो आए बहुत हमारे लोगों को खाता करें, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ये जब से बीजेपी आई है। ठीक है जी, तो देखिए तमाम लोग यहाँ पे जो कांग्रेस दफ्तर पे आए हुए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ, और बाहर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, थोड़ी बारिश भी यहाँ पे हो रही है और तमाम संख्या में लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं और इस जो कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर जो है वो प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे आपको तस्वीरों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद नाराजगी जो है वो लोग अपनी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के फेसबुक पेज पे लाइव हैं आप, जिस तरह से गुजरात कोर्ट का जो फैसला आया है क्या कहेंगे? मोदी चोर है, इसे चोर को चोर कहा। हमारा विनाशित ये है कि हमने चोर को चोर कहा, काहे को ये सच कहा, काहे का चोर ने कहा, काहे को ये मैं वाणी का वंश झूठा, गांधी को डाकू कहने की हिम्मत है। मोदी सत्ता राहुल गांधी, ये राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी को डाकू कहने की हिम्मत है, राहुल गांधी अडानी और मोदी चोर है, इस देश को तुम्हारे साथ है। लेकिन बीजेपी इसी बात से घबरा गई, बीजेपी नहीं चाहती कि कोई उसके सच को सामने लाए, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मतलब इतनी घबरा गई बीजेपी अडानी के मुद्दे पे, अंबानी के मुद्दे पे, जिस तरह के देश के उद्योगपतियों का जो है सवाल खड़ा किया राहुल जी ने, बीजेपी कदर घबरा गई कि उनको सजा दिलवा दी, सदस्यता रद्द करवा दी। हाँ,
तो ये डर ही तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है देश में। कोर्ट पर आपने जो जस्टिस गुजरात कोर्ट से जो फैसला आया है कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? एक आदमी को बचाने के लिए लगातार एक ऐसे मामले को जिसकी कोई विरासत नहीं है, उसको लगाम खींचने का काम पूरी दुनिया जानती है।
और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत पे हमें भरोसा है। जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी जी को आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया है, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बदलाए हुए हैं।